हाथरस जिले का बिजली विभाग अपने कारनामों को लेकर आए दिन चर्चाओं में रहता है, लेकिन इस बार हाथरस जिले के बिजली विभाग के अधिकारियों का एक चौंका देने वाला मामला सामने आया, जिसमें बिजली विभाग के अधिकारियों ने एक ऐसी महिला के खिलाफ थाने में बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज करा दिया, जिस महिला की मौत करीब एक साल पहले हो चुकी है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस की जांच में बिजली विभाग के अधिकारियों के कारनामे का खुलासा हुआ। आपको बता दें कि मामला हाथरस जिले के थाना कोतवाली हसायन क्षेत्र के गांव गंगापुर का 29 दिसंबर 2018 को 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र नवीपुर के अवर अभियंता मुकेश गौतम ने अपने अधिकारी को खुश करने के लिए ऑफिस में बैठे बैठे ही बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों के साथ थाना हसायन क्षेत्र के गांव गंगापुर में बिजली चेकिंग अभियान चला दिया और अवर अभियंता मुकेश गौतम ने अपने ऑफिस में बैठे बैठे ही गाँव के 15 लोगों को बिजली चोरी करते हुए मौके पर पकड़ लिया। इस बिजली चेकिंग अभियंता में अवर अभियंता मुकेश गौतम ने गांव के 15 लोगों को के खिलाफ बिजली चोरी में थाना कोतवाली हसायन में मुकदमा दर्ज भी करा दिया। अवर अभियंता मुकेश गौतम द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में दूसरे नंबर पर गांव गंगापुर निवासी विजेंद्र सिंह की पत्नी दुलारी देवी का नाम भी था, जिसकी मौत करीब एक साल पहले हो चुकी थी। अवर अभियंता मुकेश गौतम ने थाने में दी गई अपनी तहरीर में बताया कि जिन लोगों के खिलाफ मेरे द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया उन्होंने मुझे अपना नाम और पता बताया है। बिजली विभाग के अवर अभियंता मुकेश गौतम की इस पूरे कारनामे का खुलासा उस समय हुआ जब थाना हसायन पुलिस गांव गंगापुर में बिजली चोरी के मामले में दबिश देने गई। दबिश के दौरान जैसी पुलिस दुलारी देवी के घर पहुंची तो दुलारी के परिजनों ने पुलिस को बताया कि दुलारी देवी की मौत करीब एक साल पहले हो चुकी है। जब मृतक महिला दुलारी देवी के परिजनों ने पुलिस को दुलारी देवी का मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाया तो पुलिस भी आश्चर्यचकित रह गई और वापस आने लगी। वहीं बिजली विभाग के इस कारनामे से साफ है कि जिले में विद्युत उपभोक्ताओं के खिलाफ बिजली चोरी के फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं और उनकी किस तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है। माताजी का नाम था दुलारी देवी। पिताजी का तुम्हें ये जानकारी है तुम्हारी माताजी के खिलाफ बिजली विभाग द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है। तो तुम्हारी माताजी का देहावसान कितने समय पहले हो गया था? कुछ समय पहले हो गया। तारीख मेरे को